बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जद्दा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 10 वारस हमने पढ़ लिए हैं। कितने वारस हमने पढ़ लिए हैं? 10 वारस हमने पढ़ लिए हैं। अब जद, जौज, अख मिनल उम, फिर उम, जद्दा और जौजा और उख मिनल उम, उख्त, बिंत और बिंतुल इब्न, ये हमने 10 वारस पढ़े हैं। आज हम पढ़ेंगे 11वां वारस और 12वां वारस, ठीक है। तो जद्दा जो है इसको, इसकी दो किस्में, कितनी किस्में हैं? दो। एक जद्दा होती है बाप की तरफ से और एक जद्दा होती है माँ की तरफ से। बाप की तरफ से जद्दा को हम क्या कहते हैं? दादी। क्या कहते हैं? दादी। और माँ की तरफ से जो जद्दा होती है उसको हम क्या कहते हैं? नानी, ठीक है। इसको आप कह रहे हैं बाप की तरफ से अबवी, क्या कह रहे हैं? अबवी। और नानी को आप कह रहे हैं उमवी, क्या कह रहे हैं? उमवी। जद्दा जो बाप की तरफ से उसको जद्दा अबवी और जो माँ की तरफ से उसको जद्दा है उमवी आप नाम दे दें। ये याद रखें कि जद्दा को हमेशा सुदूस मिलता है। क्या मिलता है? सुदूस मिलता है, वो अकेली हो या दोनों हो, अकेली हो या फिर क्या हो, दोनों हो, सही है, उनको सुदूस ही मिलेगा, बशर्ते के दर्जे में बराबर हो, बशर्ते के दर्जे में बराबर हो, बशर्ते के दर्जे में बराबर हो, सही। बाप की मौजूदगी में, ये देखें, बाप की मौजूदगी में ये मजूबा हो जाती है। ये मजूबा होती है कब? जब बाप होता है। अगर बाप मौजूद हो तो ये वाली जद्दा जो है, ये जद्दा अबवी, ये मजूबा हो जाती है, इसको नहीं मिलता। बाप की मौजूदगी में इसको नहीं मिलता। और माँ की मौजूदगी में, किसकी मौजूदगी में? माँ की मौजूदगी में इन दोनों को ही नहीं मिलता। माँ की मौजूदगी में इन दोनों को नहीं मिलता। जद्दा का खुलासा ये है कि जद्दा दो किस्म की है, जद्दा अबवी और जद्दा उमवी, दोनों का हिस्सा सुदूस है। अगर अकेली हो दोनों में से तो एक को या दोनों उनको सुदूस मिलेगा, बशर्ते के दर्जे में बराबर हो। बशर्ते के दर्जे में बराबर होने का ये मैं भी वजाहत करता हूँ। और बाप की मौजूदगी में इसको नहीं मिलेगा, माँ की मौजूदगी में दोनों को नहीं मिलेगा। मैं इसके एक्सप्लेन करता हूँ मिसालों के जरिए। ये देखें, यहाँ पे है जद्दा और यहाँ पे है जौर। औलाद नहीं है, जौर को क्या मिलेगा? निस्फ। और जद्दा को सुदूस, निस्फ फरीके सानी के साथ, मसला 6 से इसको 3 और इसको 1, जद्दा को सुदूस मिलेगा। अब ये दो जद्दा है कैसे, ये देखें, ये दरवाजा बंद करके हैं यार, ये पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, ये वाला दरवाजा ऊपर भी क्या है इनको, इधर बोल रहे हैं जाकर। यहाँ से ये जद्दा है और ये जद्दा है, यहाँ पे दो जद्दा है, यहाँ पे कितनी जद्दा है? दो। और यहाँ पे है जौजा। अब औलाद नहीं है, जौजा को क्या मिलेगा? रुबो। और जद्दा एक से ज्यादा है, इनको क्या मिलेगा? सुदूस। एक हो या एक से ज्यादा हो, इनको छठा हिस्सा मिलता है। अब रुबो फ्री के सानी के साथ आ जाए मसला 12 से इसको 2, 6 2 12 और 4 3 12। आप ये देखें, जद्दा जद्दा है, क्या है? जद्दा, ये देखें जद्दा है। और ये जो है ना, यहाँ पे अब है, यहाँ पे क्या है? अब है। तो इस जद्दा को मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ अब, और ये उसके माँ। और यहाँ पे एक और जद्दा भी है उम, और ये उसकी माँ। मैं जद्दा नहीं लिखता हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो, क्योंकि अगर मैं वैसे जद्दा लिखता हूँ ना, इस तरह जद्दा लिखता हूँ तो फिर पता नहीं चलता ये कौन सी जद्दा है। तो ये भी जद्दा है और ये भी जद्दा है, ये भी जद्दा है और ये भी जद्दा है। और यहाँ पे जौज है, औलाद नहीं है, जौज को क्या मिलेगा? बाप अस्बा। औलाद नहीं है, बाप अस्बा। बाप की वजह से जद्दा अबवी, बाप की वजह से जद्दा अबवी, दादी मजूबा, लेकिन इसको मिलेगा, लेकिन इसको
मिलेगा और वो शुद्ध है। जैसे ब्रेक के साथ मसला 6, 1, 3 और 2। अब समझ आइए आपको ये वाली बात। अब अगर माम जो दो दोनों को नहीं मिलेगा, माम जो दो तो दोनों को नहीं मिलेगा। ये देखो यहाँ पे अब है, ये जद्दा है अबवी, और यहाँ पे उम है, ये जद्दा है उमवी, और यहाँ पे औलाद है, और यहाँ पे माँ है। यहाँ पे क्या है? माँ है। अब आप कहेंगे माँ की आते नहीं पड़ी। अभी आपको एक हालत अभी बताऊंगा मैं, फिर ऐसा सबक भी बता देता हूँ। तो इबन तो हमेशा असबा होता है, इबन हमेशा असबा होता है, और माँ की मौजूदगी में दोनों जद्दों को नहीं मिलता। माँ की मौजूदगी में दोनों जद्दा को नहीं मिलता, तो लिहाजा ये दोनों मौजूदा, ये दोनों मौजूदा। और औलाद मौजूद हो तो माँ को छठा हिस्सा देते हैं, औलाद मौजूद हो तो माँ को छठा हिस्सा देते हैं। ये आपने पहली हालत याद रखनी है। तो माँ को दिया हमने सुदूस, मसला बनाएंगे हम किससे? 6 से। इसको 5 और इसको 1। तो इस तरह जो जद्दा है उसकी कितनी हालतें हो गई, आप खुद ही बना लें। जद्दा को हमेशा सुदूस मिलेगा, आपने ये याद रखना है, एक हो या एक शिकायत हो, यानी जद्दा अबवी हो या उमवी हो। वैसे ज्यादा से ज्यादा कितनी जद्दात हो सकती हैं? 4 हो सकती हैं। ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती हैं? 4 हो सकती हैं, ठीक है। वो कैसे होती हैं फिर मैं आपको समझा दूंगा मैं। तो एक हो या एक से ज्यादा हो, बशर्ते के दर्जे में बराबर हो, ये मैंने आपको भी समझाता हूँ। और बाप की मौजूदगी में बाप वाले यानी जद्दा अबवी को नहीं मिलेगा, और माँ की मौजूदगी में माँ दोनों को नहीं मिलेगा, माँ वाले को भी नहीं मिलेगा और बाप वाले को भी नहीं मिलेगा। अब दर्जे में बराबर होने की क्या वजह है ये देखेंगे। यहाँ पे ये देखें, ये बाप है, ये बाप है, ये उसकी माँ है, ये ओम है, ये उसकी माँ है, ये भी जद्दा है, ये भी क्या है? जद्दा। और ये भी जद्दा। और यहाँ पे है जौजा, औलाद नहीं है, इसको रुबो देते हैं। और जद्दा दो हैं लेकिन दर्जे में बराबर नहीं, दर्जे में बराबर नहीं, ये दूसरे दर्जे में और ये तीसरे दर्जे में है। जो करीब है उसको देंगे, दूर वाली को नहीं देंगे, दूर वाली को नहीं देंगे। तो यहाँ इसको हम सुदूस देंगे। और रुबो फ्री के सानी के साथ आ जाए मसला 12 से, और इसको 2 और इसको 3। तो इस तरह जद्दा की जो आते हैं वो तकरीबन क्लियर हो गए। हाँ, जद्दा को हमेशा छठा हिस्सा मिलता है सुदूस, एक हो या एक से ज्यादा हो, बशर्ते के दर्जे में बराबर हो, बाप की मौजूदगी में एक को नहीं मिलेगा, माँ की मौजूदगी में दोनों को नहीं मिलेगा। स्टॉप करेंगे। कितना टाइम हो गया? 5 मिनट।